हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल बजरंग एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी की कितनी शादियां हुई थी? यह क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी अपने पिता की कौन सी पत्नी की संतान थे। दोस्तों, एक क्वेश्चन और है कि कस्तूरबा गांधी का पूरा नाम क्या था। इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आज हम आपको बताते हैं। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी की कितनी शादियां हुई थी? चार। जी हां दोस्तों, करमचंद गांधी की चार शादियां हुई थी। महात्मा गांधी की जो माता थी पुतलीबाई, उनसे पहले करमचंद गांधी की तीन शादियां हो चुकी थी। उनकी तीनों पत्नियाँ ही प्रसव के समय उनकी मौत हो गई और चौथी पत्नी थी पुतलीबाई, जिनसे महात्मा गांधी का जन्म हुआ। दोस्तों, यदि कभी पेपर में क्वेश्चन आए कि महात्मा गांधी के पिता की कितनी शादियां हुई थी, तो चार। महात्मा गांधी के पिता हिंदू धर्म के किस समुदाय से संबंध रखते थे? मोध समुदाय। कस्तूरबा गांधी का पूरा नाम क्या था? कस्तूरबा माखन जी। यह क्वेश्चन भी दोस्तों एक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कस्तूरबा गांधी का पूरा नाम क्या था? कस्तूरबा माखन जी, और उन्हें लोग प्यार से बा कहकर पुकारते थे। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? चार पुत्र। कस्तूरबा गांधी की मौत कब हुई थी? 1944 में। कस्तूरबा गांधी की मौत है 1944 में हुई थी। कस्तूरबा गांधी की मौत कहां पर हुई थी? पुन्ना जेल में। जी हाँ दोस्तों, उस समय कस्तूरबा गांधी जी पुन्ना जेल में थी, जहां पर उनकी मौत हुई थी। दोस्तों, ये सवाल थे जो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए हैं, और सेकंड ग्रेड में महात्मा गांधी का टॉपिक है वो स्पेशल तौर पर लगता है, तो इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे भी दोस्तों मैं उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।